सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू मेडिक शेड्स. दिस इज स्वर्णा सिंह, अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट बीआरडी मेडिकल कॉलेज. सो टुडे वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग गैप एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड राउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन नीट इन उत्तर प्रदेश. सो लॉट्स ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट द सेकेंड राउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ एज द सीट मैट्रिक्स इज रिलीज्ड एंड यू गाइज आर इन डाउट कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है. और आप लोगों ने ये भी देखा ही होगा कि सेकेंड राउंड से भी कुछ वेकेंट सीट्स बच रही हैं ऑल इंडिया में. सो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि फर्स्ट राउंड में बच्चे अप्लाई नहीं करते स्टेट काउंसलिंग के लिए. वो चाहते हैं कि वो ऑल इंडिया से उनको अच्छी सीट मिल जाए तो वो ले ले, बट सेकेंड राउंड में बहुत बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं और अप्लाई भी करते हैं काउंसलिंग के लिए. तो देयर इज चांसेस कि हाँ आपका कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है. तो चलिए हम बात करते हैं कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है सेकेंड राउंड में उत्तर प्रदेश में. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट राउंड और उसके कंपैरेटिवली हम सेकेंड राउंड की बात करेंगे. सो डू वॉच द होल वीडियो, बिकॉज अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पूरे वीडियो में क्या बात करी और आप मिसकंसेप्ट कर लोगे और फिर आपको डाउट्स रह जाएंगे. सो डू वॉच द होल वीडियो इफ़ यू वॉन्ट टू नो द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कट ऑफ ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ उत्तर प्रदेश. एंड बिफोर दिस डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. सो अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कितना गया था, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को हमारा जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था वो 601 मार्क्स पे हुआ था. और अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था वो 597 पे हुआ था. ओबीसी कैटेगरी में लास्ट कॉलेज 599 मार्क्स पे अलॉट हुआ था. अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो उसमें हमारा लास्ट कॉलेज 454 मार्क्स पे अलॉट हुआ था और एसटी कैटेगरी में हमारा 241 मार्क्स पे अलॉट हुआ था. तो ये हमारा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है. अब हम इसके बेसिस पे हम सेकेंड राउंड का कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे और हमारे सेकेंड राउंड में हो सकता है कि जो पहले से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कट ऑफ ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में. कंपैरेटिवली हमारा वैकेंट सीट कम है और ऑल इंडिया में वैकेंट सीट बची हैं, मतलब ऑल इंडिया की सीट्स वैकेंट है. इसका मतलब कि बच्चे स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कुछ परसेंटेज उत्तर प्रदेश से भी आएगा और उत्तर प्रदेश में इसका मतलब कि कुछ बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करेंगे सेकेंड राउंड का. तो हो सकता है सेकेंड राउंड का कट ऑफ इंक्रीज हो जाए जो हम पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे. सो बेस्ड ऑन ऑल दीज, जो सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 598 to 599 जा रहा है. मतलब इतने पे आप सेफ हो, आपको सेकेंड राउंड में अलॉट हो जाएगा. अगर आपके मार्क्स इससे कम हैं तो आप मॉपअप तक जरूर वेट करें, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत हैं इस बार. चलिए अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए. तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारा 594 to 596 ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ रही है बेस्ड ऑन ऑल द डिटेल्स विच वी हैव. नाउ कमिंग टू द ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में हमारा 596 to 598 ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है. मैंने बहुत ही कम मार्जिन लिया है क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारी ऑल इंडिया की सीट्स वेकेंट बची हैं और स्टेट काउंसलिंग में ऑलरेडी आपको 3,300 तक की सीट्स आपकी स्टेट कोटा से फिलअप हो चुकी हैं. तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे नया रजिस्ट्रेशन करें, तो फॉर अ सेफर साइड हम इतना तो मान रहे हैं कि इतने पे कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा. अगर आपके मार्क्स उससे एक दो नंबर कम है तो भी आप जरूर अप्लाई करें, आपको मॉपअप तक तो जरूर ही कॉलेज मिल जाएगा. चलिए हम बात करते हैं अब आपको एससी कैटेगरी के लिए. तो हम 450 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एससी कैटेगरी को सीट मिल सकती है सेकंड राउंड में. नाउ कमिंग टू द एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 235 मार्क्स तक आपको कॉलेज में सीट मिल सकता है इस बार सेकंड राउंड में. अगर आपके मार्क्स 230 प्लस हैं तो आप मॉपअप तक जरूर वेट करें, आपको कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में. सो आई होप दैट दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल, एज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट द कट ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ उत्तर प्रदेश इन द कमेंट सेक्शन. सो आई थॉट टू मेक द वीडियो एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू इन द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. और आप लोग जरूर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें अगर आपके मार्क्स 5-10 नंबर से भी फर्क आ रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग करोगे तभी चांसेस होंगे ना आपको सीट मिलेगी. अगर आप काउंसलिंग ही नहीं करवाओगे तो आपको सीट कैसे मिलेगी. सो डू अप्लाई फॉर द काउंसलिंग एंड ऑल द बेस्ट.